हाई गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो चुका है अब तो, एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। मैं ना सामने एक नेवला देख रहा था, मुझे दिख ही ना रहा अब वापस। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि वो कैप्चर हो जाए, बट वो ना अंदर छत के अंदर छुप गया। ठीक वहाँ पे ये पूरे एरिया में यहाँ पे था, और क्या प्यारा व्यू आ रहा है खंडर का। फाइनली हम घर वापस आ चुके हैं बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट 20-22 दिन बाद आई एम बैक होम। एंड काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। एक तो वेदर चेंज हो गया, वेदर मतलब पहले बारिश वाला था, अब धूप निकल रही है अच्छी खासी, और मज़ा आ रहा है धूप में खड़े होके ना, एक नंबर मज़ा, बहुत ही प्यारी धूप है। और देखो ग्रीनरी कितनी ज़्यादा हो गई है, ये वाला पेड़ बहुत ही ग्रीन लग रहा है। अभी पैकिंग वैकिंग सब अनपैक करना है सब कुछ, और देखो दो तीन चीज़ें आ गई थी मैंने खोल के रख दी। एक तो ये शर्ट आई थी मेरे पास, बहुत ही प्यारी समरी सी, ठीक है। और एक मेरे पास ना ये टी शर्ट आई थी यार, बट इस टी शर्ट के ऊपर ना मेड ऑफ शुगर स्पाइस एंड सैसी एडवाइस, भाई ये क्या टी शर्ट है ये। फिर अपने पास एक वॉच आई है, ये वाली वॉच आई है मिनिमलिस्ट की, ये चलो खैर आप इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन का है उसमें देखना, नहीं नहीं यार यूट्यूब फैमिली फिर मेरे से गुस्सा हो जाएगी। लो जी ये भी देख लो, बहुत ही प्यारी वॉच है, देखो क्या कर्री लग रही है, अभी कुछ भी मैंने वो उतारा नहीं है। दो डेनिम्स आई थी, एक ये वाली डेनिम इस कलर की डेनिम है, एक वहाँ बड़ी एक क्रीमिश कलर की डेनिम है। मतलब ये वाली डेनिम आती रहती है, फ्रिकिन से जो कपड़े आते हैं वो तो खैर आते ही आते हैं। एंड अभी फ़िलहाल मैं ये सोच रहा था कि यार मैं तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे ना कुछ वीडियोज़ पेंडिंग वाली हैं, वो वाला काम कर देते हैं। एंड आपको ये वाली चीज़ें तो मैंने दिखा दी, मेरा ये था कि मैंने कहा पहले ये दिखा दूँ फिर शूट वूट होता रहेगा। फ़िलहाल आंटी और मन्नत गए हुए हैं स्कूल, एंड आंटी के मम्मा हमारे घर पर आ रखे हैं, तो वो कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे। फिलहाल शूट ख़त्म कराया जाए जल्दी जल्दी से, फिर मैं आपको वापस मिलता हूँ। गाइस काफ़ी हद तक तो देखो मेरा हो गया काम, ठीक है। एंड पैकिंग अनपैकिंग चलेगी, ये कर लेता हूँ। परफ्यूम्स अभी इनकी बननी है, चलो कोई बात नहीं, इनको अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, पैकिंग अनपैकिंग कर लेते हैं, करनी तो पड़ेगी भाई, सामान का रखूँगा मैं, नहीं तो ये भी पड़ा है। गाइस रूम साफ़ करने के चक्कर में तुम्हारे भाई ने सभी साफ़ कर दिया, यहाँ से अभी ठीक ठाक सफाई चल रही है। ये ब्रश मेरे काम का बहुत ज़्यादा है, इससे हो रही है सब जगह की सफाई, अच्छी खासी सफाई कर दूंगा, ये सेक्शन भी क्लियर हो जाएगा। देखो यार सामान रखने की काफ़ी जगह मुझे मिल नहीं पाती, तो ये थोड़ा सॉर्ट करता हूँ। यहाँ पे भी मेरी, मैं सोच रहा हूँ ऊपर वाला वॉच कलेक्शन बना दूँ, नीचे मैं अपना परफ्यूम कलेक्शन बना दूँ, ऐसे डिवाइड करता हूँ फिलहाल इसको। मैं साफ कर रहा था ना और मुझे इस वॉच की याद आ गई, ये वॉच अपने पास थी और ये वॉच गायब हो गई थी, कैसियो की विंटेज सीरीज थी, नाम मेरे को ऐसा सच नाम नहीं याद आ रहा, बट विंटेज सीरीज थी D170, ठीक है। और ये अपन के साथ क्या हुआ, मैं एक बारी प्लेन में ट्रैवल कर रहा था और उसमें जल्दबाजी में वॉच मुझसे खो गई, ये वाली वॉच अब यहाँ पे पड़ी है। एक मेरे पास फॉसिल की वॉच है, उसका बॉक्स ये पड़ा है, और मेरे पास एक और वॉच थी वो कहाँ रख दी मैंने, एक वॉच तो अभी नई वाली आई है, एक और वॉच थी वो भी गायब कर दी क्या अभी अभी, जरा से वर्णी है नहीं वो मुझे अभी याद नहीं आ रही, आएगी तो मैं आपको चलो दोबारा दिखाता हूँ। अरे ये रही ना, ये देखो ये वॉच है, डेली वॉच कंपनी वाली वॉच है ये, ब्लैक वाली आपने देखी होगी, खोल के दिखाऊं क्या, आपको दिखा देता हूँ, बहुत बारी पहनता हूँ मैं, बहुत कॉमन वॉच है मेरी ये वाली। इसके अंदर ना सुबह यहाँ स्टीम जम गई थी, ग्लास पे कहीं वो तो नहीं आ रहा, नहीं अब तो नहीं दिख रहा। भाई आज तो मैंने तगड़ी वाली सफाई कर दी है यहाँ पे पूरा, एंड ये यार बहुत पुराना पीसी है, इसमें सैन एंड्रियास पता नहीं कौन सी गेम्स खेली है मैंने, वाइस सिटी, GTA की ज़्यादातर गेम्स इस पीसी में मैंने खेली हैं। एंड ये पीसी भी बेचारा हमारा वो पुराना हो रहा है, इसको भी बेचने का टाइम आ चुका है, अभी पता नहीं है बेचेंगे कब बेचेंगे क्या करेंगे,
बट बेचना तो पड़ेगा बिकॉज वक्त आ चुका है, पूरा हो गया इसकी उम्र। और ये देखो यहाँ पे मैंने सब अभी तक फिलहाल, ये तो चलो ये हटा दो, ऊपर मैंने थोड़ी बहुत वॉच का सामान रखा है, नीचे मैंने परफ्यूम्स का रखा है। गाइस रूम मेरा आधा ही साफ हुआ था अभी फिलहाल, बट डिनर का टाइम आ गया, पनीर चिकन क्या क्या पूछी है वो देखना क्या खा रही है। गाइस आजकल मेरे रूम में पापा सोते हैं एंड मैं सोता हूँ सामने पीएनबी में क्योंकि डिफिकल्ट सिचुएशंस। चलो एनीवेज हम चलते हैं अब सामने की ओर, रूम मैंने लगभग लगभग पापा के लिए साफ कर दिया है। और क्या बच्चा मेरा फायर का है, तो हम भाई लोग सो रहे हैं यहाँ पे अपने सामने वाले पीएनबी में क्योंकि अपन को आदत है खुले खुले हो गए सोने की, तो मैंने सोचा यार वैसे रात को एडिटिंग वेडिटिंग करनी होती है, कोई साथ अगर मेरे सोएगा तो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। एंड फिलहाल चल रही है एडिटिंग। आज का दिन बहुत ज़्यादा वैसा रहा क्योंकि आज मैं सफाई बहुत ज़्यादा कर रहा था यार। एक क्या होता है क्योंकि मैं इतने दिन ट्रैवल करता हूँ तो पीछे मेरा काफ़ी सारा सामान पड़ा होता है, बारिशों का मौसम है, बारिशों के मौसम में फंगस वगैरह लगने के चांसेस होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी चीज़ ख़राब हो, तो मैं इन जनरल क्या करता हूँ उसे साफ़ कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो वो कर रहा था आज। एंड अभी भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, शायद अभी मेरे रूम में पापा सोए हैं तो मैंने कहा आप सो जाओ, वो भी सारे दिन के ही इज़ टायर्ड, तो मैंने कहा आप सो जाओ आप टेंशन मत लो अभी सफाई मैं सुबह कर लूँगा। वो कह रहे थे मैं यहाँ पे सो जाता हूँ, मैंने कहा नहीं यार मैं सो जाऊँगा यहाँ पे, आप आराम से घर में सो क्योंकि घर का मज़ा अपना रहता है, यहाँ का भी मज़ा अपना रहता है, बट यहाँ पे भी मैं काफ़ी बारी सोता रहता हूँ तो मुझे आदत है यहाँ पे सोने की, तो अपन को कोई टेंशन नहीं है फिलहाल। एंड अभी लूडो खेलने का टाइम आ चुका है, लूडो खेलता हूँ मैं जाकर। हाय गाइस इट्स नेक्स्ट डे, आप तैयार हो चुके हैं, अभी दो दिन मेरे ऐसे ही जाएंगे, मेरे शूट्स में ही जाएंगे, फिर कुछ प्लान करेंगे। एंड मुझे अभी मैं पहले आपको टी शर्ट दिखाता हूँ जिसमें आज मैं शूट करने वाला हूँ, ये साफ साफ इतना अच्छा लग रहा है ना फिलहाल मुझे। भाई ये देखो क्या प्यारी शॉर्ट्स हैं, एक नंबर। ठीक है इसका शूट करने वाले हम, और एक करेंगे इसका, इन दोनों शॉर्ट्स को स्टाइल करते, बहुत ही प्यारी कढ़ाई हो रखी है यार। अच्छा जब तक मैं ये कर रहा हूँ इस व्लॉग को करते हैं फिलहाल यहीं पे ख़त्म, आया व्लॉग बहुत छोटा बना है बट आज मेरे सारे शूट्स हो जाएंगे फिर आपको अच्छे बड़े व्लॉग्स वापस ऑन ट्रैक हो जाएंगे। एंड मैं सोच रहा था कि कोई चैलेंज भी करा जाता है या कुछ नई चीज़ ट्राई करूँ, मुझे सजेस्ट करना कि क्या चैलेंज करूँ मन्नत के साथ। एंड अगर पुराने आपने चैलेंजेस देखे मेरे मन्नत के साथ तो उसके साथ मैं कुछ नया करने की सोच रहा था, कुछ आपकी रिक्वेस्ट पर जो आपको पसंद है वो करेंगे। फिलहाल इन सब का मैं शूट करता हूँ, अगले व्लॉग में मिलता हूँ एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग, चंगा फिर अगली एरिया।